मैं आपको अब नवादा लेकर चलूंगी। शशांक हमारे साथ मौजूद हैं, जहां पर विपक्ष या यूं का इंडिया गठबंधन की तरफ से परिवारवाद को लेकर एक बार फिर से बीजेपी को इस रूप में घेरा जा रहा है कि साहब सीपी ठाकुर के बेटे विवेक ठाकुर को आपने उम्मीदवार वहां पर बना दिया। हालांकि एनडीए जो है और बीजेपी जो है वो उसको परिवारवाद के दायरे से बाहर रख रही है, लेकिन लोकसभा चुनाव में तो पहली बार ही किस्मत आजमा रहे हैं ना। राज्यसभा के सांसद हैं विवेक ठाकुर, पहले चरण में यहां पर भी वोटिंग होगी, क्या है यहां का सियासी मिजाज? देखिए, यहाँ पे त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। बीजेपी प्रत्याशी हैं विवेक ठाकुर, आरजेडी से प्रत्याशी हैं श्रवण कुशवाहा, लेकिन यहाँ पे राजद से राजबल्लभ यादव का परिवार ही चुनाव लड़ता रहा है। 2014 में राजबल्लभ लड़े थे, हार गए थे भले, 19 में उनकी पत्नी लड़ी थी। इस बार उनके भाई को टिकट नहीं मिला, इसलिए उनके भाई विनोद यादव निर्दलीय लड़ रहे हैं, और जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं उनको आरजेडी के दो विधायक समर्थन भी कर रहे हैं, जिसमें विवा देवी भी शामिल हैं जो राजबल्लभ की पत्नी हैं। तो त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। 19 को वोटिंग है, हमारे साथ कुछ लोग हैं, बात करेंगे क्या लग रहा है यहाँ पे, त्रिकोणीय संघर्ष होने वाला है ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन आप लोग को पल रहा किसका भारी लग रहा है और क्या मुद्दे हैं यहाँ के? कोई मुकाबला यहाँ नहीं है। यहाँ विवेक ठाकुर जी जो अपने एनडीए के प्रत्याशी हैं बहुत काफ़ी मार्जिन से चुनाव जीतेंगे। कोई मुकाबला नहीं, कोई त्रिकोणीय मुकाबला नहीं है, चुनाव बहुत काफ़ी मार्जिन से हम लोग जीतेंगे। इतना काम एनडीए सरकार में हुआ है मोदी जी गवर्नमेंट में जिसका कोई तुलना नहीं है। ठीक है, मतलब फैक्टर को आप यहाँ एक फैक्टर नहीं मानते? कोई फैक्टर यहाँ नहीं है, यहाँ एकदम एक तरफा लड़ाई है। विवेक ठाकुर, मैं लौटूंगी आपके पास, सीधे जरा दर्शकों का अहमद बिलाल के पास लेकर चलते हैं। बिहार की जमुई सीट जहां पर पहले चरण में वोटिंग होनी है, वहां पर इस वक्त अहमद बिलाल हमारे साथ जुड़ गए हैं और चिराग पासवान इस सीट पर जीत दर्ज करते आए हैं। 14 में भी, 19 में भी, इस बार चिराग पासवान नहीं बल्कि उनके जीजा इस सीट से एलजेपी के उम्मीदवार के तौर पर किस्मत आजमा रहे हैं। क्या है यहाँ सियासी मूड बिलाल? बिल्कुल रुमाना, देखिए इस बार एनडीए का चिराग जलाने की, तीसरी बार एनडीए का चिराग जलाने की जिम्मेदारी जो है वो एक बार फिर से चिराग पासवान के कंधों पर है, और इसी चिराग पासवान की प्रतिष्ठा का सवाल जो है वो इस वक्त जो जमुई की लोकसभा सीट है वो बन गई है, और इसी वजह से चिराग पासवान जो है वो चुनाव प्रचार के आखिरी दिन भी अपनी सीट हाजीपुर छोड़ करके जमुई लोकसभा में जो है वो बनाए हुए हैं, टिके हुए हैं, और कल देर रात तक जो है वो चिराग पासवान ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें की हैं, क्योंकि जो थोड़ी मोड़ी नाराजगी जो है वो कहीं ना कहीं बताई जा रही थी, क्योंकि चिराग पासवान ये सीट जहाँ से वो 2014 और 2019 में लगातार दो बार जीत करके आए थे, इस बार 2024 में वो सीट छोड़कर के हाजीपुर जा रहे हैं, और उन्होंने अपने बहनोई अरुण भारती को जो है वो टिकट दिया है, और कार्यकर्ताओं में थोड़ी बहुत नाराजगी इस बात की थी कि बाहरी की एक प्रत्याशी को जो है वो यहाँ पर टिकट गया है, तो उस नाराजगी को, उस दूरी को पाटने के लिए चिराग पासवान पिछले दो दिनों से इसी जमुई में जो है वो यहाँ पर। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस तमाम जानकारी के लिए, और आइए जरा जल्दी से अब जो खास मेहमान स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं उनसे एक एक रिएक्शन लेते हैं। राकेश शुक्ला जी से शुरुआत करेंगे। बिहार की ये लड़ाई बीजेपी के लिए आसान उसी दिन से हो गई जिस दिन से नीतीश कुमार एनडीए में वापस आए? हाँ, निश्चित तौर पर वहाँ पे सिर्फ नीतीश जी को ही मत देखिए, आप छोटे छोटे तबके को देखिए। पिछली बार जीतन राम मांझी भी नहीं थे, उपेंद्र कुशवाहा भी नहीं थे, तो ये चिराग पासवान की लेजेसी जो है थोड़ा सा अलग थलग पड़ी हुई थी। इस बार ये सारे जो छोटे छोटे पॉकेट है भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। ये जो 1 और 3% की सीटों की बात हो रही है, 3 सीटों पे मुझे डाउट है, एक बक्सर, एक औरंगाबाद, एक पाटलिपुत्र। ये 3 सीटें 1 या 2% वाली नहीं है, बल्कि इसमें भारतीय जनता पार्टी का मार्जिन बहुत ज़्यादा है। ये 8 से 11% की जीत वाली सीटें हैं। बक्सर सीट लगातार भारतीय जनता पार्टी के पास है। लालमुनि चौबे की टिकट काट के अश्विनी चौबे को दिया गया। 2009 का चुनाव छोड़ के बाकी 96 से लेके और 19 तक का चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीती है, और वहाँ जो मार्जिन रहा जीत हार का वो 8 से 11% का रहा है। इस बार अश्विनी चौबे की टिकट काट के तिवारी को टिकट दी गई है, तो जिस तरह लालमुनि वहाँ मजबूत नेता थे, उतने मजबूत नेता अश्विनी चौबे नहीं है कि उनकी टिकट कटने का इम्पैक्ट भारतीय जनता पार्टी के नुकसान का होगा। बिल्कुल, लेकिन ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि साहब बीजेपी भी इस बात का एहसास कर रही है कि बक्सर में मामला बहुत करीबी और टाइट हो सकता है, इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बिहार पहुंचते हैं चुनावी रैली करने के लिए तो फिर अश्विनी चौबे को खासतौर से बुलाया जाता है और मंच साझा कराया जा सकता है, कराया जाता है प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनका। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन ये तो आपको समझना ही चाहिए कि हर बार किसी एक ही कैंडिडेट को टिकट नहीं मिलेगा। जैसे शुक्ला जी ने भी जिक्र किया कि अश्विनी चौबे को जब टिकट मिला था तो वो लालमुनि चौबे का टिकट काट के मिला था, और उसमें तो अश्विनी चौबे ने बहुत बड़ी एक्सरसाइज की थी, और लालमुनि चौबे अश्विनी जी से बड़े नेता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, काफ़ी मजबूत नेता रहे। और अब ये होता है कि नाराजगी होती है जब टिकट कट रहा है। अश्विनी चौबे जी का बयान भी सामने आया कि मुझे ब्राह्मण होने की सजा मिली, वहाँ तो ब्राह्मण को टिकट मिला है, ब्राह्मण को टिकट मिला, पहले तीनों कैंडिडेट लालमुनि चौबे भी थे, चौबे भी थे, और अभी भी तिवारी को दिया गया। लगातार कोशिश होती है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि बक्सर सीट पे कोई बहुत बड़ा उलटफेर होने वाला है, और वो भारतीय जनता पार्टी की दिलचस्पी तो बढ़ी गई है जिस तरीके से वो कम मार्जिन वाली हार जीत वाली जो सीटें हैं उसमें बक्सर सीट भी शुमार इस वक्त नजर आ रही है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।